हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय खिड़ी ब्लॉग गाइस। आई डोंट नो इस ब्लॉग में क्या बावर्ची होने वाला है। जो भी बावर्ची तुम्हारा इस ब्लॉग में फैलाएगा वो डाल दूंगा मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है गाइस, बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, बहुत ज्यादा 3 हफ्ते हो गए अभी तक एक भी ब्लॉग नहीं आया है। तो मेरा ब्लॉग बनाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था, दैट्स व्हाई आज मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ, देख लेना खुला चलेगा। ऊपर से दशहरा है हो गए, तो अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या स्कैम बनता है। जंगलों के बीच में आ चुका हूँ, अभी हम इधर है थोड़ा, यहाँ पे हम आज पानी पुनी जोड़ रहे हैं कि यहाँ पे पानी की बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाती है गर्मियों के मौसम में, जब हमारे सभी पशु पक्षी मिलाप के लिए निकलते हैं तो बहुत ही पानी की दिक्कत आ जाती है गाइस हमारे लिए यहाँ पे। तो आज हम पानी जोड़ रहे हैं, पाइप का इस्तेमाल किया है हमने, टूल पंप भी हमने इसमें उपयोग में लाया है। आई विल शो यू हाउ टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम another country, from this country, okay? Sorry, another point, how to transfer water with the help of tulu pump, guys, okay? Then we are going to do this experiment with the help of tulu pump, okay? Then we are going to a very khunkha rasta. I will show you. रास्ता अब यहाँ से जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे 3 जन कार्य पे लगे हैं, तो टुलू पंप को जोड़ने में हमारी सहायता कर रहे हैं। जोड़ दिया गाइस, हैं जोड़ दिया, बस करो यार, ये तो अभी यही है, बस करो यार। ये क्या आदि पहुंची, क्या सीन है? अच्छा, ये आपने एंड लाया नीचे से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। हमारे जवान थक चुके हैं बहुत ही ज्यादा, थक हार के अभी भी हमारा काम जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है, थोड़ा काम और रह गया है। हमारा टुल्लू पंप अभी भी नहीं चला है गाइस, अभी हम टुल्लू पंप चलाएंगे अपना क्या मतलब है टुल्लू पंप, यारी समझ गई। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? अभी भी हमारा कार्य सफल नहीं हुआ है, तार छोटी हो गई है गाइस, इलेक्ट्रिक वायर इज गॉन, वेरी स्मॉल गाइस, हम जा रहे हैं टू बाय न्यू वायर, ओके, देन वी विल जॉइन देम टुगेदर, ओके। अभी तो जा रहे हैं हम घर की ओर, करते बॉम 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 वाला। तो हाँ जी गाइस, इट्स 2:30। बस गाइस मैं ऐसे इंग्लिश त्याग कर रहा हूँ, तुम्हारा ऐसे इंग्लिश नहीं बोलेगा क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा हाई फाई है, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत आ सकती है, ऐसे किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है मेरी इंग्लिश सुन के, तो ऐसे मैं हिंदी बोलूंगा। हाँ जी गाइस, अभी बजे हैं 2:30, बोले तो 2:30, और लाइट भी नहीं है, 20% बैटरी हो जाता, व्लॉग बनाऊंगा आज, बट क्या करेंगे, देखते हैं कहाँ तक चलता है सफर, लाइट आ जाएगी आई थिंक जल्दी। अभी मैं अपने फ्रेंड के रूम में जा रहा हूँ, वहाँ पे काम है थोड़ा सा मुझे करने को, कॉलेज से असाइनमेंट बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल बनाने को दिया है गाइस, दुखे जिंदगी में ऐसे धूप में जा रहा हूँ अभी। लेट्स सी क्या होता है आज, ये व्लॉग मैंने डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये व्लॉग जड़ा मर्जी बने, गिर गया था अभी, जड़ा मर्जी बाबा सिर ब्लॉग बन जाए गाइस, से खुला चलेगा ठीक है। हमें आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसकी हैंड राइटिंग बदी है। ये है हमारे एक बंदे, इनकी कॉपी है, इनकी है ये ठीक है, इनकी कॉपी है गाइस, इनकी हैंड राइटिंग है, ओके। अब ये देखो, ये हैंड राइटिंग है, और ये अपना पछौड़ा दिखा रहे, ये इनकी हैंड राइटिंग है गाइस, ओके। और ये तुम्हारे भाई की, तुम्हारा भाई स्वयं, तुम्हारा भाई देखो हैंड राइटिंग मोटे ताड़ फाड़ है, कभी मत देखना इतनी गंदी राइटिंग, ये तो सिर्फ गाइस वाह, ये हैंड राइटिंग तुम्हारे भाई की, रुक जा गाइस, तुम्हारे भाई की हैंड राइटिंग है। अगर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में किसकी हैंड राइटिंग बढ़िया है, ठीक है, कमेंट सेक्शन बूम बाम कर देना, ठीक है गाइस। अभी तो थोड़ा हम थोड़ा आनंद ले रहे हैं जिंदगी का, ठीक है, आप लोगों से थोड़ी देर में संपर्क करेंगे हम, तब तक के लिए खुला चलेगा। Finally we are here in our college gate के अंदर, देख सकते हैं आप गाइस पीछे से आप लोग दिख रहा है गेट, अभी हम जा रहे हैं गाइस कॉलेज की तरफ, तो सोचा आप लोगों को कुछ दृश्य दिखाए हम कॉलेज के, कॉलेज का टूर तो मैं भी नहीं दूंगा आप लोगों को, उसका एक स्पेशल व्लॉग आएगा, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा उसको आने के लिए, उसको भी हम जल्द से जल्द आप तक पहुँचाएंगे गाइस, टेंशन नहीं लीजिएगा, ओके। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज में, एक है हमारे साथ विजय, हमारे कार्तिक भाई, हेलो कार्तिक भाई, हाँ जोर से बता रहा है, हेलो हेलो गाइस।
थैंक गॉड गाइस, हमारे हमारे कॉलेज में गाइस बॉडी भी है, कहाँ तक जा सकते हैं तुम्हें। वे यार हमारे कॉलेज में बॉडी भी है गाइस, मुझे तो आज पता लगा है, मोटा ही खीड़ी लाया गाइस जहाँ पे हम पानी भी पी सकते, पीने का पानी है कैसे इधर है कितना तैयार हुआ है, कब हमारे को उसमें रहने को मिलेगा गाइज, थक गए हैं बाहर रह रहे कि हम भी अभी जा रहे थे हॉस्टल की तरफ। वाओ पीछे हुआ हमारे कॉलेज का हॉस्टल, इसके अंदर चले जाऊंगा मैं, आपको कॉलेज नहीं ले जाऊंगा। बड़ा सेक्सी लग रहा है गाइस हमारे कॉलेज का हॉस्टल, और ये हमारे स्कूल कॉलेज का पछवाड़ा है। तो लेट्स गो गाइस, आज चलते हैं कॉलेज के हॉस्टल के अंदर, देखते हैं क्या क्या है इसमें देखने के लिए। बहुत ही मतलब डिफरेंट प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं गाइस इस हॉस्टल के अंदर। तो लेट्स गो गाइस, मेन डोर हॉस्टल का हमारे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो रखे हैं सीमेंट के बैग, ये है वो रिसेप्शन, रिसेप्शन है ना ये, रिसेप्शन है। यहाँ पे गियर भी रखे हैं, इसमें क्या है यहाँ पे, वाह पीने के लिए बढ़िया सामान। ये क्या चीज़ होनी है, यहाँ पे क्या होना है, मैसेज चलो गाइस क्या खोलना है। ये है पहला रूम है ये ना, ये फर्स्ट रूम, ये क्या चीज़ है, नहीं ये रूम है ये ना, किचन कुचन भी है यहाँ पे। तो यार तो गाइस सबसे पहले हम ऊपर ही चले थे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ओके तो सबसे पहले चलते हैं गाइस ऊपर की तरफ। लाइटिंग लूटिंग सब कुछ बढ़िया है, तीन कवर्ड है, वाओ। इसके अंदर है क्या कुछ बढ़िया गाइस, यहाँ पे गाइस इस रूम में जो रहेगा ना उसके मजे है, मजे वहाँ कसम से। यहाँ से तो दूजा ही व्यू आने वाला है कॉलेज का, बोले तो वीआईपी रूम बनने वाला है ये। इस अगर कॉलेज स्टार्ट हो जाता तो हम इस रूम को करेंगे कि हम इस रूम में हैं, क्यों ये रूम तो कुछ खिड़ी लग रहा है गाइस। हमारे कॉलेज की टॉयलेट है तो बाथरूम है ना, बढ़िया है गाइस, शावर शुवर, यहाँ पे गीजर लगना अभी बाकी है, बढ़िया। यहाँ पे दो टॉयलेट, तीन टॉयलेट और तीन बाथरूम, नाइस। कॉलेज में बात है गाइस, अगर कोई आना चाहता है कॉलेज में तो प्लीज, मतलब एक से दो साल के बाद ये कॉलेज है ना वो बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंडिया बोल रहा हूँ, हिमाचल का सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बन सकता है ये। चलो चार पांच साल के बाद अगर एक चीज ग्रो करती है, ये कॉलेज ग्रो करेगा तो यहाँ का जितने भी आसपास के इलाके है वो भी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाएगा इस कॉलेज की वजह से। चलो देखते हैं क्या बनता है, ये तो हमारा कॉलेज, मैथ्स भी देखते हैं जरा एक बार यार, मैथ्स नहीं देखा, मैथ्स देखेंगे क्यों गाइस, मैथ्स भी देखते हैं हमारे को इस कॉलेज में रहने को मिलेगा कि नहीं, कॉलेज बोल रहा हूँ हॉस्टल में रहने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, थोड़ा समय लगेगा। तो चलो गाइस चलते हैं मैथ्स के अंदर, ये है मैथ्स, ये हमारा मैथ्स है। खाना कहाँ पे, इधर है, इधर डाइनिंग टेबल लगेगा क्यों, यहाँ से सप्लाई है, वहाँ खाएंगे इस साइड में खाएंगे, बहुत सही बहुत सही। हॉस्टल बहुत ही ग्रो करने वाला है, हमारा हॉस्टल अच्छा है देखने में, और अच्छा क्या अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है फिर भी इतना अच्छा लग रहा है देखने में, लग रहा है कि हॉस्टल अच्छा है, ठीक है। अभी हमारा जो है कॉलेज टूर रह गया है, वो मैं एक स्पेशल ब्लॉग तो बना के रहूँगा, कॉलेज बहुत ओपी कॉलेज है, अगर बोल रहा हूँ मैं, अगर फॉरवर्ड जगह में होता ना प्रॉपर बिलासपुर में होता ना, माँ कसम से ताड़ फाड़ कॉलेज होता अभी तक का हिमाचल का, आग लगा देता, आग आग लगा देता गाइस आग, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, अभी तो हम वापस जा रहे हैं, ये कॉलेज था बढ़िया, हैव सम फन, जिंदगी के मजे लो, टाइम विल नेवर स्टॉप फॉर यू, तो खुला चलेगा। गाइस रुको रुको, अभी कहाँ जा रहे हो आप लोग, अभी तो आप कुछ सुनना भूल गए हो, इसको सुने बिना हम अपना व्लॉग खत्म नहीं कर सकते। तो गाइस मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, और ये वर्ड्स में रात के 12 बजे शूट कर रहा हूँ क्योंकि करना ही है इसको, इसके बिना हमारा व्लॉग कंप्लीट नहीं होता है। तो बस गाइस लास्ट में मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि नंगा नहाएंगे, खुला खाएंगे, तबाही मचाएंगे, बॉम्ब फाला।